हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से सेवन्थ फेज को लेकर के अफवाहें शुरू हुई हैं, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स, तमाम ईमेल रिप्लाईज, फिर उसके बाद ऑफिशियल नोटिस टाइप का नोटिस वायरल होने लगा है, तब से रेलवे भी परेशान हो गया है। क्योंकि आप लोग बार बार रेलवे को कॉल करके या फिर मेल करके पूछ रहे थे कि इस नोटिस के बारे में सच्चाई क्या है, क्या सच में इस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम है, एक नोटिस डायरेक्टली वायरल हो गया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि 28, 29, 30 जून को NTPC सेवन्थ फेज़ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कुछ लोग कॉल पे भी ये बात पूछे थे, तो कॉल पे भी यही रिप्लाई आया था कि टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, आप लोग खुद अलर्ट रहें और खुद अपना दिमाग लगाएं, खुद समझें कि अगर नोटिस वायरल हो रहा है तो ऑफिशियल साइट पे वो नोटिस क्यों नहीं है। ठीक है, और हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको खुद सतर्क रहना होगा। फिर उसके बाद कई सारे RRBs ने अपने ऑफिशियल साइट पे हाईलाइट करके दिखा दिया कि आप इससे अलर्ट रहें, मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज बना के कि ये सब फेक हैं और इनसे आप लोग दूर रहें, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप RRB के ही साइट पे विज़िट करें। ठीक है, तो इसी के बाद अब हम देख रहे हैं RRB चेन्नई के भी साइट पे ये इंपॉर्टेंट करके नोटिस आ गया है, जिसमें लिखा है, फॉर एनी नोटिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द कैंडिडेट शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB's वेबसाइट ओनली। जैसा कि मैं आपसे शुरू से कहता हूँ कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप केवल ऑफिशियल साइट विजिट कीजिए, ना कि किसी यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, ना कि कहीं कुछ किसी कॉल पे, ना कि किसी ईमेल पे। क्योंकि मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, अभी भी यही बात रिपीट करूँगा कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कमीशन, कोई भी बोर्ड आपको कॉल पर पर्सनली जवाब नहीं दे सकता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, या फिर ना ही आपको कॉल पे ईमेल पे, मतलब कॉल पे भी नहीं दे सकता और ईमेल पे भी कभी आपको कोई रिप्लाई नहीं दे सकता पर्सनली कि हाँ ये एग्ज़ाम इस डेट पे होने वाला है। क्योंकि सिंपल सा फंडा यही है फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, उन्हें अगर कॉल या ईमेल पे जवाब देना होता तो उससे अच्छा क्या था, नोटिस नहीं जारी कर देते। क्योंकि मान लीजिए एक दिन में उनको ऐसे 100 कॉल का रिप्लाई देना पड़ता होगा केवल एक RRB वाले को, तो 100 कॉल का रिप्लाई देने से अच्छा है एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे और इन 100 कॉलों से बच जाए, तो क्या आसान है, नोटिस देना आसान है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉल और ईमेल पर बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर ये सब सच रहते हैं तो उससे पहले नोटिस आ गया होता। ठीक है, और अभी बहुत से डेट्स वायरल हो रहे हैं, अभी कुछ डेट्स की उम्मीद बने हुए हैं, अभी कुछ लोग कहें 6 जुलाई को, कुछ लोग कहें केवल फर्स्ट वीक, एग्जैक्ट डेट नहीं दिए हैं, देखिए उसके आगे क्या होता है। ऐसे बहुत से ईमेल वायरल होते रह रहे हैं, तो यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, RRB वेबसाइट ओनली एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस बिंग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग RRBs मे प्लीज़ बी इग्नोर्ड, यानी कि इन्हें इग्नोर किया जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, मैं आपसे ये भी बोला हूँ कि आज या कल तक वेट कर लीजिए, हो सकता है वो भी बात झूठ निकल जाए जो अभी वायरल किया गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में NTPC सेवन्थ फेज होगा। ठीक है, अभी मैं झूठ डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं कल तक वेट कर रहा हूँ, कल के बाद क्या होता है, अगर कल तक नहीं आता कोई नोटिस तो इसका मतलब समझ लीजिए वो भी एक अफवाह था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।